नमस्ते वेलकम टू एडवाइजर एल का पार्ट वन में हमने ट्वेंटी एम सी क्यू सॉल्व किए थे एंड आई गेस उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा सो आई एम हियर विद पार्ट टू नेक्स्ट सीरीज ऑफ एल एमसीक्यू। एम सी क्यू इसमें हम नेक्स्ट टेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है बीजीए इज नॉट प्रजेंट इन द्लान बॉडी ऑफ लास्ट क्लास में हमने बीजीए के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था वॉट इज़ ब्लूग्रीन एल की साइनोबैक्टीरिया भी इसका नाम है एक और नाम है इसका ब्लू ब्लूग्रीन का नाम एक और नाम है एक तो हम साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं दूसरा हम इसको मिक्सोफाइसी के नाम से भी जानते हैं ठीक है पिगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें फाइकोसाइनिन इसमें कैरेटिनइड फाइकोबिलिन या ओसिलेजेंथीन नाम के पिगमेंट भी होते हैं रिजर्व फूड लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था रिजर्व फूड इज साइनोफाइसियन स्टार्च साइनोफाइसियन स्टार्च ठीक है ये कुछ साइनोफाइसीज के बारे में कुछ अगर क्वेश्चन से डिस्कस जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी या जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी दैट वाज़ कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो इज़ अ फाइलम ऑफ बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है नॉन मोटाइल है यानी इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता कोई सेक्स ऑर्गन या कोई मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज भी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इन इट्स पीजीटी पी या यू इन सब में क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग दिस अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बीजीए इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्लान बॉडी ऑफ द बी जी ए प्रेजेंट ही क्यों होता है बीजीए का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ठीक है तो बीजे जिस भी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होगा इसका मतलब है उसमें नाइट्रोजन वो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पा रहा है ठीक है तो वो प्लांट बॉडी जो है वो अपने इंटरनल अनाटमी में आप उसमें देखोगे कि उसमें बीजीए प्रेजेंट होगा यानी कि ब्लूग्रीन एल की जो उसको नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा और खुद वहाँ पर रहने की जगह यानी कि यहाँ पे देखिए सिम्बायटिक एसोसिएशन हो रहा है म्यूचुअलिज्म है ये दोनों को एक दूसरे से फायदा है बीजीए जो है उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के उसकी एनाटमी में रहता है और इस प्लांट बॉडी को क्या फायदा है या क्या, क्या इसके लिए पॉजिटिव है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो फिक्स करते हैं उस नाइट्रोजन को ये इजीली यूज कर पाते हैं ठीक है तो क्वेश्चन ये था कि बीजीए इसमें प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट नहीं होता ये पूछा है सबसे पहला चीज है साइकस ठीक है साइकस आपका जिम्नोस्पमिक प्लांट है और साइकस के कोरेलॉइड रूट आप जब साइकस का कोरेलॉइड रूट देखोगे जिसका यहाँ पे एक इंटरनल एनाटमी मैंने ऑलरेडी दिया है तो इसके इंटरनल एनाटमी में आप ये वाला रीजन देखिए दिस इज एल्गल जोन जिसमें आपका बीजीए प्रेजेंट होता है ठीक है तो साइकस में तो बीजीए प्रेजेंट होता है और ये जिम्नोसपॉम है ठीक है उसके कोरेलॉइड रूट यहाँ पे आप देखिए लिखा है एजोला एजोला एक वाटर फोन है ठीक है एजोला इज ऑल्सो नून एज किस में मिलता है ये ठीक है तो एजोला में आपको एनाबीना मिलता है एना बिना इज अ ब्लू ग्रीन एल की एनाबीना मिलता है यानी कि ये तो आंसर नहीं हुआ फोर्थ है इसमें ऑप्शन एंथोसिरोस एंथोसिरोस जो है वो आपका ब्रायोफाइटा है आफ्टर एलगी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा ठीक है एंथोसेरोस एंथोसरॉस के जो म्यूसिलज कैविटीज हैं एंथोसेरोस का जब आप इंटरनल एनाटमी देखोगे तो उसमें जो म्यूसिलज कैविटीज हैं म्यूसिलज म्यूसिलज कैविटीज में इसी तरीके से एक एल्गल जोन होता है उसमें आपकी नॉस्टॉक की कॉलोनीज पाई जाती हैं किसकी कॉलोनीज़ है नॉस्टॉक की एंड नॉस्टॉक इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी एनाबिना इज ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गी कोरोय रूट में भी आपका नॉस्टॉक एनाबिना पाया जाता है सॉरी नॉस्टॉक एनाबिना पाया जाता है ठीक है तो ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है सिर्फ एक पाइनस है ये भी जिमनोसफॉम में ही होता है पाइनस जिम्नोसफॉम uh, में पाया जाता है जिम्नोसफॉम का एक प्लांट बॉडी है ये लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई बीज ये नहीं प्रेजेंट होता ठीक है दिस इज साइकस ये साइकस का हैबिट है और उसके साथ कोरोलाइड रूट की एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन uh, हुआ है नीचे आपको जो दिस वन ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हॉनवर्ट है जिसको हम एंथोसेरोस कहते हैं एंथोसेरोस का एक और नाम है हॉनवर्ट क्योंकि ये आपको थोड़े से सिंग जैसे दिख रहे होंगे ठीक है इसका स्ट्रक्चर देखिए थोड़े सिंग जैसे दिख रहे होंगे और जो साइड में दिख रहा है दिस इज एजोला सो दिस इज दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन कि बीजिया किस में प्रेजेंट नहीं होता तो पाइनस में प्रेजेंट नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी ठीक है मतलब जो आपकी रेड सी है उसमें उसका कलर आप देखोगे बहुत रेड कलर का है तो उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है पहली बात तो आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है एल्गा यस yes, उसमें एल्गा प्रेजेंट होता है कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वॉट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सी तो आंसर वुड बी एल्गा इन्होंने थोड़ा सा बॉटनी के बच्चों से पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो so थोड़ा सा पिक्यूलियर पूछेंगे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन सा एल्गा है जिसके वजह से रेड सी का जो कलर है वो रेड है ठीक है तो पहला है लेमिनेरिया ऑप्शन लेमिनेरिया आपको पता ही दिस इज ब्राउन एल्गी तो ये तो ब्राउन कलर देता रेड क्यों देने लगा तो ब्राउन एल्गी सेकेंड है आपका यूलोथ्रिक्स अगेन ये भी नहीं सार्गसम ग्रीन एल्गी ठीक है यूलोथ्रिक्स इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी एंड सार्गसम इज ऑल्सो ग्रीन एल्गी सॉरी सार्गसम तो ब्राउन एल्गी है तो ये तो ब्राउन कलर देगा Eulothrix जो है, वो ग्रीन एल्गी है तो ये ग्रीन कलर देगा ट्राइकोडेस्मियम ये आपका रेड एल्गा है ठीक है रोडोफाइसी ग्रुप का रोडोफाइसी ग्रुप का रेड दैट्स वाई ये रेड सी को रेड कलर प्रोवाइड करता है काफ़ी डेंस अमाउंट में लाइक अ ब्लूम वाटर ब्लूम के तरीके से ये पूरी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है उस रेड सी में और इसके वजह से ही इसका एक उस रेड सी का कलर जो है वो रेड हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंह जो स्पोर्स आर फाउंड इन सिंह जो स्पोर्स जो है वो किस में पाया जाता है तो देखिए नॉर्मली वाउचेरिया का जो uh, स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इस तरीके से है ठीक है तो इसका जो जाइोट है वो थोड़ा वो मोटाइल होता है यानी कि इसमें इस तरीके से फ्लैजीला प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है यानी कि देखिए हम अगर माइटोटिक की बात करें तो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है आपका एक सेल है ठीक है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब क्या होगा इसमें पहले हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस ठीक है कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना तो ये आपका सेल है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा ठीक है न्यूक्लियस डिवाइड हो, हो रहा है थोड़ा थोड़ा टूट रहा है और एक दूसरे न्यूक्लियस में यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे हैं ठीक है थीके? और फिर क्या होगा जब दो न्यूक्लियस बन जाएगा धीरे धीरे -देर इस सेल का डिवीजन होना चालू हो जाएगा और ये सेल डिवाइड होके दो सेल बनाएंगे जिसमें एक न्यूक्लियस इसमें और एक न्यूक्लियस इसमें इस तरीके से दो सेल हमें मिल जाएंगे सेल नंबर वन एंड सेल नंबर टू ठीक है इस तरीके से ये प्रोसेस होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो पाता ठीक है और ये सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा है ये जहाँ पे यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं सिन जूस में हम जूसपोर की बात करते हैं ठीक है जूसपोर का जो न्यूक्लियस है उसमें तो डिवीजन हो जाता है यानी एक न्यूक्लियस से दो दो न्यूक्लियस से चार चार से आठ इस तरीके से न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाते हैं लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाता और सेल डिवीजन नहीं हो पाता तो ये पूरा का पूरा यहाँ जो आपको बगल में स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल डिवीजन नहीं हो जाने के वजह से ही ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें बनता है ठीक है वो होता है वाउचेरिया बाउचेरिया में ऐसा प्रोसेस होता है ठीक है फाउंड इन बाउचेरिया क्लेमाइडोमोनास या पॉलिसाइफोनिया या नोस्टो इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है क्लेमाइडोमोनास आपका ग्रीन एल्गा पॉलिसाइफोनिया या इससे पहले मैंने आपको एक और नाम बताया था बेट्राकोस्पर्म ये सब आपका रेड एल्गा है नोस्टोक आपका ब्लू ग्रीन एल्गा है बाउचेरिया बाउचेरिया आपका अगेन जो है ग्रीन एल्गा है ठीक है तो वाउचेरिया में ये प्रोसेस होता है फोर्थ क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्पेस रिसर्च सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि कौन सी एलगी है जिसको हम खा सकते हैं तो यहाँ पे आपको दो आंसर हो जाएगा एक तो स्पायरोना जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और दूसरा है क्लोरेला ठीक है ये दो हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन बहुत सारे प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं ठीक है माइक्रो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें जो क्लोरेला है क्लोरेला जो है वो स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ होता है अब यहाँ पे आप कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी देख सकते हैं स्ट्रेंथेंस लिवर फंक्शन रिमूव्स फनजाई बैक्टीरिया एंड पॉइजन फ्रॉम द ब्लड कंटेन्स द हाइएस्ट नोन सोर्स ऑफ क्लोरोफिल सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको uh, अब एक्चुअली इकोनॉमिक में ये सारी चीजें पढ़ोगे इन डिटेल की क्या है क्लोरेला यूनिसला ग्रीन एल्गा है अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो इट इज रिच रिचर इन प्रोटीन लिपिड्स एंड विटामिन इन सब की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है क्लोरेला में एंड द बेसिक थिंग इज़ कि क्लोरेला को आपको यहाँ बगैर में टैबलेट के फॉर्म में स्पून में दिख रहा होगा ये टैबलेट के फॉर्म में बहुत ईजिली बन जाता है और इसी टैबलेट को स्पेस रिसर्च में लेके चले जाते हैं बहुत ईजिली कैरी भी करना हो ईजी हो जाता है इसको आ, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी ये नहीं लेके आता और आपका एक टैबलेट में काफ़ी काम हो जाता है ठीक है तो क्लोरेला ईजीएसट फॉर्म में ये हम इसको लेके जा सकते हैं दैट्स वाई और वो सारे बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स जैसे कि स्पैरोलेना में है वैसे ही क्लोरेला में है तो इसलिए क्लोर, क्लोरेला जो है वो आंसर होगा इसका ठीक है अगर यहाँ पे स्पैरोलेना भी ऑप्शन में होता तो भी क्लोरेला ही आंसर होने वाला था बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ ईजिएस्ट वे जिसके वजह से ये हम लेके जा पा रहे हैं इसको फिफ्थ क्वेश्चन है पालमेला स्टेज पालमेला स्टेज इज फाउंड इन ठीक है पालमेला स्टेज किसमें पाई जाती है तो पालमेला स्टेज सबसे पहले होती क्या है पालमेला स्टेज है जो कि जिसमें कई सारे यहाँ पे बगल में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जब दो सेल आपस में दो सेल आपस में हो जाए यानी कि एक स्टेज बना एक म्यूज सिंपल सी बात है एक म्यूसिलेजनस मुचिल, स्टेज बना लें जिसमें सारी सेल जो है आपस में एक साथ मर्ज कर रही हूँ कुछ सेल्स आपस में मर्ज कर रही हूँ एक ऐसा सिचुएशन जिसमें वो मर्ज कर रही हूँ और एक म्यूसिलेज एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो दैट इज पाल स्टेज ठीक है पाल स्टेज आपका जो है वो पाया जाता है यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनाज में दो में पाया जाता है पाल स्टेज एक तो यूलोथ्रिक्स में और एक क्लेमाइडोमोनास ज यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास दोनों ही ग्रीन एल्गा है अब कुछ और स्टेजेस के नाम भी सुन लीजिए इससे पहले आ, शायद मैंने इसके बारे में जिक्र किया था प्लेकिया स्टेज प्लेकिया स्टेज प्लेकिया स्टेज, प्लेकिया स्टेज अगर पूछे कि प्लेकिया प्लेक्या फाउंड इन तो आंसर वुड बी वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स क्या है कोलोनियल एल्गा है उसमें प्लेकिया स्टेज आपको मिलता है अगर वर्ड आए कैंट्रेंसिया स्टेज इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जरूर पढ़ा था कैंट्रेंसिया स्टेज तो कैंट्रेंसिया स्टेज जो है ये बेट्रैकोस्पर्मम में पाया जाता है बेट्रैको स्पर्मम में और ये जो बेट्रैको स्पर्मम है ये रेड एल्का है ठीक है उसके बाद कुछ और टर्मनोलॉजीज है जैसे नैनड्रियम अगर नैनड्रियम जैसा वर्ड आप पढ़ रहे हो या फिर मेल डॉर्फ नैंड्रियम को ही मेल डॉर्फ भी कहा जाता है अगर ऐसा वर्ड आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये बात कर रहे हैं ईडोगोनियम की ठीक है जिसमें कैप सेल्स एपिकल कैप ये सब चीज़ें भी पाई जाती हैं ईडोगोनियम ठीक है इसके बाद एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं नोक्यूल या फिर ग्लोब्यूल इस तरीके के अगर वर्ड सुनाई दे रहे हैं ठीक है नोक्यूल मेल ग्लोब्यूल फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो नोक्यूल या ग्लोब्यूल ना, नाम की अगर चीज़ें आपको सुनने में आ रही है यानी कि वो कारा की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें वो एग्जैक्टली exactly ये टर्मिनोलॉजी नाम दे के और पूछ लिया जाता है कि ये इट इज़ रिलेटेड जैसे क्वेश्चन मान लीजिए मैं नोक्यूल या ग्लोब्यूल की बात करूँ तो नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल ये टर्म रिप्रेजेंट्स विच एल्गा तो आपका आंसर होगा कारा इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन द टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिशिएला ट्यूबरोसा वॉज डिस्कवर्ड बाय ठीक है फ्रिटीला ट्यूबरोसा के साथ साथ अगर टेरेस्ट्रियल एल्गा की अगर बात हो ही रही है तो और भी टेरेस्ट्रियल एल्गा के बारे में जान लीजिए एक है कोलियो कीट एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं एक सेकेंड एक ये है कोलियो कीट ठीक है कोलियो कीट इसके साथ एक और नाम है एक्टोकार्पस एक्टोकार्पस ठीक है फ्रिटीला ट्यूबरोसा कोलियो कीट एंड एक्टोकार्पस ये तीनों ही ये तीनों ही एल्गा जो हैं वो टेरिस्ट्रियल एल्गा है और इसके साथ साथ ये तीनों ही हेट्रोट्राइकस हैं कैसे हैं हेट्रोट्राइकस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज इसमें आपको देख, देखने को मिलेगी ठीक है इसको डिस्कवर किया था एफ ई सॉरी इसको डिस्कवर किया था एम ओ पी अयंगर ने एफ ई फ्रेश तो एफ ई फ्रेश जो है वो फादर ऑफ एल्गी हैं ये कौन है ये हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी या एल्गोलॉजी ठीक है एमओपी अयंगर कौन है एमओपी अयंगर है फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी मॉडर्न एल्गोलॉजी ठीक है और एलो जो एमओपी अयंगर हैं इन्होंने फ्रिजशला की भी डिस्कवरी की है नाउ इसमें दो ऑप्शंस और हैं वाई भारद्वाज एंड आर एन सिंह ठीक है वाई भारद्वाज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वाई भारद्वाज इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एल्गोलॉजी और आपको बता दूँ आर एन सिंह जो है इन्होंने ये आर एन सिंह यहाँ ऑप्शन में क्यों कभी भी ऑप्शन अगर कोई नाम दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ज़रूर होता है जैसे कि ये चारों ही एल्गोलॉजी से रिलेटेड है ठीक है एम ओ पी ने तो ये डिस्कवरी सॉरी इन्होंने डिस्कवरी ही की है ठीक e. है एफी फ्रेश एल्गोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए इनका नाम दिया है वाई भारद्वाज भी एल्गोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए इनका नाम दिया है आर एन सिंह जो कि वाई भारद्वाज के ही स्टूडेंट है इन्होंने लाइफ हिस्ट्री इन्होंने लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रिजशीला इसकी हिस्ट्री बताया है ठीक है फ्रिजशीला की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कवरी की है आरयन सिंह ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन फॉल्स ब्रांचिंग किस में पाई जाती है तो एक पहली बात तो यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं सब सब ब्लू ग्रीन एल्गी ही ठीक है बीजी है ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी में एक नाम है साइटोनीमा अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में जैसे आपको दिख रहा है कि इस तरीके का एक और इस तरीके का एक देखने में लग रहा है कि ये ये किसी भी तरीके से इसकी इसकी ब्रांच यानी कि इस तरीके से ये एक प्लांट बॉडी है और इसके ये दो ब्रांचेज है कुछ इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक है बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में कैसा ये चीज़ दिख रहा है ये एक ये एक है और ये दूसरा ब्रांच यानी कि ब्रांच नहीं ये दूसरा साइटोनिमा अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ तो ये पहला ये साइट ये फर्स्ट साइटोनिमा है और ये सेकेंड साइटोनिमा है इस तरीके के दो साइटोनीमा जस्ट एक साथ जुड़ गए हैं ठीक है और ये एक्चुअली जस्ट इसका एक राइट right एंगल इसने बनाया है ये राइट right एंगल बना रहा है ये आपको दिख रहा है जो एक तरीके से शॉर्ट ऑफ राइट एंगल नॉट एग्जैक्टली राइट एंगल बट राइट एंगल के जैसा हल्का फुल्का बना रहा है तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से मर्ज हो ही जाता मतलब ये साइटोनिमा इस तरीके से मर्ज हो जाते हैं कि इट फील्स लाइक अ ब्रांचिंग प्रोसेस बट ये ब्रांच होता नहीं तो इस तरीके की फॉल्स ब्रांचिंग हमको किस में देखने को मिलती है साइटोनिमा और मैं बता दू ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइटोनिमा का नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मरीन एल्गी इज द चीफ सोर्स ऑफ एलजी नेट लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल नेट के बारे में काफ़ी कुछ बोला था एल्जी नेट मतलब किसने दिया था तो इसमें एक नाम है लेमिनेरिया लेमिनेरिया क्या है ब्राउन एल्गा है लेमिनेरिया क्या है ब्राउन एल्गा ग्रेसिल एरिया ग्रेसिल एरिया से आपको क्या मिल रहा है ग्रेसिल एरिया से आप, आपको मिलता है ग्रेसिल एरिया हो गया या जेलीडियम एक और नाम है जेलीडियम हो गया ये दोनों क्या है ये दोनों रेड एल्गा है ग्रुप का रेड एल्गा और इन दोनों से मिलता है आपको एल्गा एल्गा ठीक है इस दो इन दोनों से मिलता है आपको एल्गा सॉरी इन दोनों से मिलता है आपको अगर अगर ठीक नेक्स है नेक्स्ट इसमें है ब्लेम लेमिनेरिया है ब्राउन एल्गा लेमिन एरिया को आप एक और नाम से जानते हो कैल्प्स ठीक है कैल्प्स भी कहते हैं और लेमेरिया से आपको एलजेनिक एसिड भी मिलता है एल्जेनिक एसिड इसी एल्जेनिक एसिड को हम एल्जीट कहते हैं अब ये क्या है सॉल्ट्स ऑफ एल्जेनिक एसिड ये जो है ब्राउन एल्गा से मिलता है अब ये एलजेनिक एसिड या ये एलजीनेट है क्या ठीक है ये एक तरीके का यह क्या बनाता है किस में ये यूज होता है ये फ्लेम प्रूफ फैब्रिक या प्लास्टिक्स बनते हैं इससे क्या बनते हैं फ्लेम प्रूफ यानी कि जिसको आप जला नहीं सकते तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम जला नहीं सकते तो फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक या फिर फैब्रिक्स इससे बनते हैं सेकेंड आप इसको एज अ बैंडेज के तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग ये ब्लीडिंग को भी रोक सकता है ठीक है तो आप इसको एज अ बैंडेज भी यूज़ कर सकते हो इंटरनल uh, ऑपरेशन में बहुत पहले इंटरनल ऑपरेशन में इसको कई बार यूज किया गया है ब्राउन लेमिनेरिया को लेमिनेरिया को uh, जिसमें से ये एल्जेनिक एसिड को वो uh, एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एक जेलिंग एजेंट का भी काम करता है तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंस हैं एल्जेनेट के ठीक है तो ये पाया जाता है ये कहाँ से एक्सट्रक्शन इसका एक्सट्रक्शन कहाँ से होता है लेमिनेरिया से और लेमिनेरिया क्या है लेमिनेरिया इज़ अ ब्राउन एल्गा पॉर्फायरा इज अ रेड एल्गा इज रेड एल्गा आंसर वुड बी लेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड एलगी इज जो ये सिंगल सेल्ड एलगी है वो कौन सी है इसमें आपको जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है एसिटे बुलेरिया का स्ट्रक्चर एसिटे बुलेरिया क्या है एसिटे बुलेरिया के बारे में आपने कई बार नाम सुना होगा एसिटिव ग्रीन एल्गा जीनस का है फैमिली का है ग्रीन एल्गा है सबसे पहले जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज जाननी है वो ये कि ग्रीन एल्गा है ठीक है सब ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये ठीक है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिंगल सेल है ये पूरा का पूरा एक सेल है ठीक है मतलब एक प्लांट बॉडी पूरा का पूरा एक सेल है ठीक है और इसका साइज इतना बड़ा है जिसके वजह से ये सेल बायोलॉजी का एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है ठीक है कि जेनेटिक का मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है जैसे कि उसका मॉडल ऑर्गेनिज्म है ड्रोसोफिला ठीक है उसी तरीके से पूछता है कि सेल बायोलॉजी का मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है एसिटाबोलेरिया इसका स्ट्रक्चर इतना इजी होता है ये सिंगल सेल्ड होता है सारी चीजें इतनी इजी हो जाती हैं कि हम इसको यूज करते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो कि जिस जिसमें सिमिलैरिटी बहुत होती है जो उनके सराउंडिंग्स जितने भी चीज़ें हैं जैसे हम एसिटेबुलरिया की बात करें एज एन एल्गा इसके जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एलगी जैसा ही है ठीक है लेकिन स्ट्रक्चर इतना इजी है एक सिंगल सेल है तो स्ट्रक्चर इतना इजी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो बहुत इजीली हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है ठीक है बिना किसी कंफ्यूजन के हमें रिजल्ट मिल जाता है तो इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म कहने लगते हैं जिसमें हमें सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग मिल जाती है इजीली मिल जाती है सिंपल भाषा में ठीक है ये है एसेटिबल एरिया ठीक है नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है पाइरिनॉइड का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लाट्स डज नॉट है कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें पायरेनॉइड नहीं प्रेज नहीं प्रेजेंट होता है तो पायरेनोइड क्या होता है पायरेनोइट इज अ प्रोटीनेशियस बॉडी क्या है प्रोटीनेशियस बॉडी प्रोटीनेशियस बॉडी है जो किसमें प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर क्रोमैटोफोर क्रोमेटो फोर में प्रेजेंट होता है ये प्रोटीनेशियस बॉडी है ठीक है फंक्शन कोई पूछे भाई क्या पैरोनाइट रह के भी सेल बाड़ी, सेल बॉडी में रह के क्या काम करता है तो ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज स्टोरेज ऑफ स्टार्च सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च स्टार्च को बनाता भी है सिंथेसाइज भी करता है और उसको स्टोर करके भी रखता है ठीक है तो ये आपका पायरोनोइड है पारेनौग किस में प्रेजेंट होता है पायरेनोइड आपका क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एल्गी के बारे में थैंक यू फॉर वॉचिंग